क्या है? वैसे लोग सभी कहेंगे चप्पल है चप्पल, मूर्ख है क्या? हाँ भैया, मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, लेकिन सीरियसली आज यही चप्पल मेरे खोपड़ी में पड़ेगा तभी ये बाल जगेंगे। मतलब सीरियसली, अभी घर वालों ने मुझे देखा नहीं और पता नहीं क्या रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि ये बाल मेरे इतने छोटे हो गए ना, इतने छोटे कि मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद ही अजीब सा लग रहा है। क्योंकि यार इतना छोटा बाल तो मैं कभी कटाया ही नहीं। यार मैं कटाया नहीं, ऐसा पता नहीं यार क्या था, वो आदमी मूर्ख था क्या था। एक्चुअली मैं गया जहाँ से मैं बाल कटवाता हूँ हमेशा ना, तो जो भैया काटते हैं मतलब वो थे नहीं, शायद कहीं गायब हुए थे। तो एक बंदा था जो काट रहा था, जो उनमें से था जिनसे मैं कटवाता था ना, तो वो किसी का कटिंग कर रहे थे। तो फिर दूसरा एक नया बंदा था, तो मैंने बोला ठीक है भैया मैं बाद में आता हूँ तब काट दीजिए। बोले अरे रुको, वो लड़का है वो काट देगा। मैंने अच्छा काट लेंगे, मैंने बोला। उसने बोला हाँ। तो वो बातों से लग रहा था कि वो नौ सीखिया है। मैंने कहा भैया मेरे ही बालों से एक्सपेरिमेंट करना मत सीखिएगा। तो हंसने लगे। मैंने तो मुझे लगा हो सकता काट लें, तो उसने बोला भैया छोटा करने साइड से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो एक नंबर चला देना ट्रिमर। तो उसने क्या किया भैया, मैंने उसके दिमाग में क्या आया, 0 नंबर चला दिया। पहले यहाँ से चलाया तो यहाँ इतने से नहीं समझ में आता है, फिर यहाँ से जब यहाँ तक आया तो मुझे अजीब सा लगा यार। मैं देखा यार, मतलब लगता नहीं वो जिसमें पूरा स्कल दिखने लगता है, 1 नंबर चलाई तो स्कल मतलब उतना नहीं दिखता, मतलब उतना ट्रिमर फील नहीं होता है इसमें, एकदम ट्रिमर फील हो पूरा। मैं क्या यार भैया ये क्या, कि कितना नंबर है? उसने बोला 0, आपने छोटा बोला था। मैंने कहा यार मूर्ख उर्ख हो गया यार, मतलब इतना कब कराते हुए देख लिया। मैंने बोला था 1 नंबर, और फिर काटा उसने पूरा। तो और फिर उसके बाद मैं ऐसा करिए पूरा छोटा करी यार, आप पूरा ख़राब कर दिए बात, क्योंकि मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है पहले भी, तो मैं पूरा छोटा करा देता था कि घर वालों से डांट वांटना पड़े। तो फिर क्या नाम है कि उसने बोला भैया छोटा मत करा, ये छोटा हो जाएगा तो पूरा काफ़ी समय लेगा उगने में, ऐसे ये तो 2-4-10 दिन में आ जाएगा आपका, एक बराबर आ जाएगा। मैंने सोचा हाँ 2-4-10 दिन में बराबर तो आ जाएगा। तो बोले ठीक है, फिर ऊपर से भी छोटे करा दिए, और अभी पता नहीं कैसा चमन चूतिया लग रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है जो भी है, तो 4-10 दिन काटना पड़ेगा ऐसे ही। अब पता नहीं घर वालों का क्या रिएक्शन आएगा, तो इसीलिए अब सोचा वीडियो बना के अपनी बातें को जाहिर कर दिया जाए। मन में लेके नहीं घूमना चाहिए। तो यही था भैया आज यार, मतलब यार बहुत बुरा हुआ मेरे साथ यार, ऐसा किसी के साथ ना हो भैया। जब भी बाल बाल कटाने जाइए एकदम प्रॉपर, जिन बार बार से आप कटिंग कराते हो उन्हीं से कराइएगा, नहीं जिनको जानते हो उनसे कटवाइएगा, अन्यथा भैया ऐसे ही भुगत जाएंगे, किसी अननोन पर्सन से कटवा लेंगे। तो जैसे मेरे साथ हुआ, पता नहीं कैसा उजड़ा चमन लग रहा हूँ, उजड़ा चमन तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा ख़राब वियर्ड सा लुक दे रहा है, मतलब ये देखिए यार अजीब सा दे रहा है। यहाँ तो तगड़ी फोटो आ रही थी, देखिए अजीब सी वियर्ड, एक तो यहाँ दाना है उसके चक्कर में, और अजीब सा था। सैड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे लिए दुआ करो भैया कि बाल जल्दी से आ जाए। तो वही जैसा कि आज से मैं आपको हर एक वीडियो में एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताना चाहूँगा, तो आज की मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो है कि किसी के ऊपर विश्वास ना करें। मतलब देख लीजिए मेरे बालों का हाल यही तो हुआ कि मैं इतनी जल्दी विश्वास कर लिया, तो विश्वास उसी के ऊपर करें जिसको आप जानते हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। सीरियसली बता रहा हूँ मैं ना, तो अगर मैं जिनसे कटवाता था तो वो तो जानते थे, वो पहले ही बिना मुझे बताए हुए जैसा मैं कटवाता हूँ ऐसा काट देते, वो ऊपर से छोटा साइड से 1 नंबर, बहुत प्यारा लगता, एकदम शानदार बच्चा, लेकिन क्या बताऊँ मैं बर्बाद कर दिया उनने। तो आई होप आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, मतलब बहुत कुछ, एक मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो तो ऑब्वियसली बात है जान ही होंगे कि इतनी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे वीडियोस में आते हैं मतलब कि 24-25 व्यूज, तो वो 18 से 22 या 23 की एज वाले रहते हैं, तो उन मोरल ऑफ द स्टोरीज जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही थी, तो चलिए। सो गाइज, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया मसाला लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।